गाइस वेलकम बैक टू राखी जिनिक फूड। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही खस्ता और टेस्टी बिस्किट। इन बिस्किटों को बनाने के लिए हमें चीनी या फिर बेकिंग पाउडर या फिर ओवन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिस्किट ओनली फॉर 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में घर पर ही बनके तैयार हो जाते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पतीला रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप गुड़, जिसे मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट करके लिया है। साथ ही में इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑन करके धीमी गैस पर कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा पानी है उसमें बॉयल नहीं आना चाहिए। हमें इसे बॉयल नहीं करना है, सिर्फ जो गुड़ के टुकड़े हैं वो मेल्ट हो जाने चाहिए, सिर्फ इतना ही इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी गुड़ है वो मेल्ट हो गई है। इस तरीके से जो हमारा गुड़ वाला पानी है वो बन जाता है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे फ्लेम को बंद और इसे किसी कंटेनर में छान के ले लेंगे, क्योंकि गुड़ में कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिससे जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएंगी। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप गेहूँ का आटा, जिसे मैंने छान कर लिया है। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, कुछ लोग इसे खोपरे का बुरादा भी बोलते हैं। इससे जो हमारे बिस्किटों में फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। अब तिल के भी कई सारे बेनिफिट होते हैं और देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं अगर हम इसे किसी भी चीज़ में डाल दें। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी डालने के बाद हाथों की सहायता से रब करते हुए घी को आटे में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से घी को आटे में मिक्स करके ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डाल के इसका एक टाइट डोसा तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसमें 1-1 चम्मच करके ही पानी डालिएगा, जिससे जो आपके बिस्किट है वो काफी खस्ता बनते हैं। अब अगर आप एक बार में ही पूरा पानी डाल देंगे तो इससे आपका जो डो है वो गीला हो जाएगा और आपके बिस्किट है वो कच्चे रहेंगे और टेस्टी भी नहीं बनेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में 1-1 चम्मच करके ही डालिएगा, यानी कि सिर्फ आपको इतना ही पानी डालना है कि जितनी जरूरत हो डो लगाने के लिए। ये बिस्किट खाने में काफ़ी खस्ता रहते हैं और टेस्टी भी रहते हैं और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो डो है वो लगा के ले लिया है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो काफ़ी बिखरा बिखरा है, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा डो हाथों पर लेकर इस तरीके से मुट्ठी बांधूंगी तो आप देख सकते हैं जो मुट्ठी है वो हमारी टाइटली तरीके से बंध रही है। तो बस इसी तरीके का जो डो है हमें चाहिए होगा। अब हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें, अब हम इसी तरीके से इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे चिकना करेंगे। इतने में ही ये काफी अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे चिकना करके ले लिया है, आप देख सकते हैं काफी टाइट है। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट के अंदर ये काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गई है, अब हम इसे हल्के हाथों से चिकना कर लेंगे। और चिकना करने के बाद और अब हम इसमें से इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स हैं वो तोड़ के ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है चकला, अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी जो बॉल मैंने आटे की ली थी वो, और रखने के बाद इस तरीके से इसे चपटा करते हुए हल्का बड़ा कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर लिया है बॉटल का ढक्कन। आप चाहे तो इसे रफली ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन जब हम बिस्किटों को अच्छी तरीके से डिजाइन देते हैं तो हम उन्हें बाहर वालों के सामने भी सर्व कर सकते हैं। तो बॉटल के ढक्कन से इस तरीके से मैं इसके गोल गोल स्लाइसेस कट कर लूंगी। स्लाइसेस कट करने के बाद अब हम इन्हीं स्लाइसों को इस तरीके से बॉटल के ढक्कन से डिजाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, बिना किसी सांचे या फिर बिना किसी दिक्कत के डिजाइनर से मार्केट जैसे बिस्किट हैं वो हमारे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी बिस्किट हैं वो हम बनाकर ले लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कई बिस्किट की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट हैं वो बना के ले लिए हैं। अब हम इन्हें चलते हैं झटपट से करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल हमें गर्म करना है वो धीमी गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए गर्म करना है। तो अब हम इसमें 1-1 करके सभी बिस्किट हैं वो डाल देंगे।
तो यहाँ पर हमने ऑयल में सभी बिस्किट डाल दिए हैं। अब हम इन्हें धीमी गैस पर इन्हें ऐसे ही फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के अंदर हैं जो हमारे बिस्किट हैं वो फ्राई हो जाएंगे। बीच बीच में हम इन्हें ट्विस्ट एंड टर्न करते जाएंगे जिससे जो हमारे बिस्किट पर कलर है वो इक्वल आए। ये बिस्किट खाने में काफ़ी खस्ता रहते हैं और ख़ास बात यह है कि हेल्दी रहते हैं क्योंकि हमने इनमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से हमारा एक बैच है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसी तरीके से आगे के सभी बैच हैं वो फ्राई करके ले लेंगे। तो इस तरीके से सभी बैच हैं वो हमने फ्राई करके ले लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम मार्केट जैसे खस्ता बिस्किट है वो हमारे घर पे ही बनके तैयार हो गए हैं। ना तो किसी बेकिंग पाउडर की जरूरत पड़ी, ना ही बेकिंग की और ना मैदा, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है इन बिस्किटों को बनाने के लिए। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और लंबे समय तक स्टोर करके एंजॉय कीजिए। सो गाइस, आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में दे दिए हैं तो आप देख सकते हैं आ रही होंगी। आप इनको भी जाकर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।